हेलो स्टूडेंट्स आई बी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है आज हम लोग बहुत बेसिक चीज़ जानेंगे यानी अर्थिंग के बारे में जानेंगे इसी को इलेक्ट्रिकल अर्थिंग भी कहते हैं तो अर्थिंग का परिभाषा क्या है किसको अर्थिंग कहा जाएगा कितने टाइप का अर्थिंग होता है अर्थिंग से हमको क्या बेनिफिट होता है ये सारी बात आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल अर्थिंग किसको कहते हैं उसका हमने परिभाषा लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग या ट्रांसफॉर्मिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ लो रेसिस्टेंस वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल अर्थिंग क्या मतलब हुआ यानी किसी भी यानी एक ऐसा प्रक्रिया एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं किसी इमीडिएट डिस्चार्ज को या आप इसको कह लीजिए आप किसी प्रकार के लीकेज को हम लोग क्या करते हैं अर्थ के अंदर भेज देते हैं सेंड कर देते हैं एक लोअर रेसिस्टेंस वायर की सहायता से आप कंडक्टर की सहायता से किसी लीकेज को या इमीडिएट डिस्चार्ज को अर्थ के अंदर पृथ्वी के अंदर भेज देते हैं इसी को हम लोग अर्थिंग कहते हैं यानी अर्थिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोग डिस्चार्ज को या इलेक्ट्रिकल करंट को या लीकेज करंट को अर्थ के अंदर सेंड कर देते हैं भेज देते हैं एक लो रेसिस्टेंस पाथ की सहायता से यानी कंडक्टर की सहायता से तो अर्थिंग के अंदर मेनली तौर से दो तरह का अर्थिंग हम लोग को पढ़ना होता है एक इक्विपमेंट अर्थिंग है दूसरा न्यूट्रल अर्थिंग है ये दोनों को आ, बीच में डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एक ही टाइप के अर्थिंग को यानी नॉर्मल जो इक्विपमेंट अर्थिंग होता है उसी को समझते हैं लेकिन दो तरह की अर्थिंग होती है एक आपका इक्विपमेंट अर्थिंग होता है दूसरा न्यूट्रल अर्थिंग होता है तो आज हम लोग इक्विपमेंट अर्थिंग के बारे में बात करेंगे न्यूट्रल अर्थिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे तो इक्विपमेंट अर्थिंग क्या है उसको समझते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थ करना ही क्या कहलाता है यानी उसको किसी एक कंडक्टर की सहायता से अर्थ यानी आपका पृथ्वी से कनेक्ट कर देना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इक्विपमेंट अर्थिंग कहलाएगा तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं उससे क्या बेनिफिट मिलता है उसको असल समझना है तो ये यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया जिसके अंदर दिखाया गया कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसको आप समझ लीजिए ट्रांसफार्मर है या मोटर है या अल्टरनेटर है कोई भी एक इक्विपमेंट है और उसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बॉडी होता है जनरली मेटेलिक होता है तो किसी मेटल का बना हुआ कोई बॉडी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का और दिखाया गया है कि इस बॉडी के अंदर हमारा इंसुल यानी आपका कोई वायर बंधा हुआ वा होता है आपका वायरिंग किया हुआ वा होता है तो किसी भी प्रकार का मान के चलिए कोई वायरिंग था और आपका वाइंडिंग किया हुआ है और इस वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो हो रहा था लेकिन यहाँ पर किसी कारणवश आपका इंसुलेशन फेलवर हो गया तो यहाँ पर बॉडी और वाइंडिंग के बीच में हम लोग कुछ इंसुलेशन देते हैं जिसके कारण इंसुलेशन के कारण ही करंट आपका बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी वजह से आपका ये जो वाइंडिंग था इंसुलेशन फेलवर होने की वजह से या डायरेक्टली आपका किसी कारणवश बॉडी से कनेक्ट हो गया तो ये जो करंट है वो क्या होने लगेगा बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने लगेगा और जब ये वाइंडिंग वाला करंट आपका बॉडी में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बॉडी में सर्कुलेट होगा तो अगर कोई पर्सन कोई आदमी जाकर इसको छूता है तो क्या होगा इसके बॉडी से होता हुआ करंट पास होगा यानी इस पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा झटका लगेगा तो इसी इलेक्ट्रिकल शॉक और झटका से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं किसी भी उपकरण को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम लोग अर्थ कर देते हैं जिसकी वजह से आपका किसी पर्सन कोई आदमी छुएगा तो उसको झटका नहीं लगेगा तो कैसे नहीं लगेगा उसको नेक्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया गया है तो यहां पर हमने कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिया हुआ है और इस इक्विपमेंट को हमने क्या कर दिया है किसी एक लो रिसिस्टेंस पाथ से यानी आपका किसी कंडक्टर से लो रेसिस्टेंस वायर की सहायता से हमने क्या कर दिया है इसको अर्थ के अंदर यानी पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया और इसी को अर्थिंग कहा जाएगा या इसी को हम लोग इक्विपमेंट अर्थिंग कहेंगे तो इक्विपमेंट अर्थिंग करने से हमको क्या फायदा होगा कि अगर मान के चलते हैं आपका बॉडी के अंदर आपका जो वायर था अंदर वो आपका बॉडी से टकरा गया है और ये इंसुलेशन फेलअर हो गया बॉडी के अंदर सर करेंट सर्कुलेट हो रहा है और बॉडी के अंदर करंट सर्कुलेट होने के बावजूद भी आपका कोई पर्सन जाकर इसको छूता है तो उसको शॉक या झटका नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पर अर्थिंग किया हुआ और आपको मालूम होगा कि करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेसिस्टेंस पाथ अब चूंकि ये जो बॉडी है इस बॉडी का रेसिस्टेंस हाई होता है आपका आपका जो वायर है उसकी तुलना में काफी हायर आपका हायर वैल्यू होती है बॉडी का रेसिस्टेंस की जिसकी वजह से आपका करंट क्या करेगा लो रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा यानी आपका करंट फॉलो हुआ और करंट को दो पाथ मिल गया एक बॉडी से होकर भी फॉलो हो सकता था दूसरा हमने जो अर्थिंग किया हुआ उससे भी हो सकता है लेकिन आपका जो अर्थ किया हुआ है इस वाले रास्ता को करंट चूज करेगा क्यों क्योंकि ये लो रेसिस्टेंस पाथ है जिसके कारण करंट यहाँ से होता हुआ फ्लो हो जाएगा और आपका ये जो इक्विप आपका पर्सन है जो बॉडी को छू रहा था इक्विपमेंट के इसको झटका नहीं लगेगा यानी शॉक लगने का और झटका लगने का चांसेस आपका कम हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इसी कारणवर जो हम लोग इक्विपमेंट का अर्थिंग करते हैं ये इक्विपमेंट का अर्थिंग थिंक इसीलिए किया जाता है ताकि आपका कोई पर्सन किसी वजह से आपका बॉडी के अंदर कुछ करंट आने लगा वो करंट की वजह से किसी आदमी को झटका नहीं लगे तो शॉक से बचाने के लिए झटका से बचाने के लिए हम लोग एवरी इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्या करते हैं अर्थ करते हैं तो इसको हम लोग इक्विपमेंट अर्थिंग भी कहते हैं या इसी को बॉडी अर्थ भी कहा जाता है तो जितना भी इक्विपमेंट है सबको बॉडी अर्थ है बड़ा बड़ा जो इक्विपमेंट होता है खास तौर से अर्थिंग किया जाता है बॉडी अर्थिंग किया जाता है जैसे ट्रांसफार्मर है अल्टरनेटर है और आपका मोटर है उन सारे इक्विपमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं अर्थिंग करते हैं बॉडी अर्थ देते हैं यानी बॉडी के अंदर कुछ करंट आ जाए तो वो अर्थिंग वाले वायर से होता हुआ अर्थ के अंदर चला जाए और आपको झटका नहीं लगे इसके अलावा हम घर के अंदर भी उपकरण करते हैं यूज करते हैं जैसे प्रेस या आयरन है तो वो हेवी करंट लेता है तो उसके बॉडी के अंदर भी करंट हो सकता आ जाए तो उसके लिए भी आप देखिएगा अर्थिंग किया उसका भी बॉडी अर्थ क्या रहता है और हमारे पास घर के अंदर जो सॉकेट होता है उसमें तीन इस तरह का अगर फाइव पिन वाला यूज़ करेंगे तो एक ऊपर में मोटा सा पिन दिया हुआ होता है सॉकेट के अंदर तो ये जो पिन होता है वो अर्थिंग के लिए होता है और ये वाला अर्थिंग है वो कहाँ से कनेक्ट होगा तो आपका अर्थ से यानी अर्थ से रिलेट अर्थ से कनेक्ट होगा और आपका मान के चलिए कोई भी उपकरण आप यूज कर रहे हैं आयरन यूज कर रहे हैं और अदर इक्विपमेंट तो इसका जो अर्थ वाला यानी बॉडी को अर्थ करके इस पलक को दे दिया जाता है यानी इस बॉडी के अंदर अगर कुछ करंट आएगा तो इस पलक में जाएगा ऊपर वाले पिन के अंदर और ये वाला वायरस होता हुआ अर्थ के अंदर आ जाएगा और आप इसको छूएगा तो भी आपको झटका नहीं लगेगा तो किसी भी इक्विपमेंट के अंदर हमारा कुछ लीकेज करंट चला जाए और हम चाह रहे हैं प्रोटेक्शन चाह रहे हैं तो उस प्रोटेक्शन तभी संभव हो पाएगा जब हम उसको अर्थ करेंगे तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है करंट कंज्यूम करता है उसके बॉडी को अर्थ किया जाता है तो ये एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी उपकरण को अर्थ करते हैं इसके अलावा जो अर्थिंग किया जाता है वो नेक्स्ट आपका क्या होता है न्यूट्रल अर्थिंग होता है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे जिसके अंदर हम लोग अर्थिंग का क्या एडवांटेज है कितने प्रकार का अर्थिंग होता है न्यूट्रल अर्थिंग होता है ये सारी बात हम लोग करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू